आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इस कंप्यूटर से ये जो हमारे पास होम थिएटर है इसको यहाँ पर कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने। से कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर एक ऑक्स केबल, जो दोस्तों आप होम थिएटर में कनेक्ट करते हैं वही ऑक्स केबल आपको यहाँ पर चाहिए। एक्चुअली दोस्तों आप लैपटॉप से भी अपने होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप का आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। ऐसे ही सेम जो होता है वो लैपटॉप में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जो चाहिए वो एक ऑक्स केबल चाहिए, जिसके थ्रू आप होम थिएटर को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, वही ऑक्स केबल आपके यहाँ पर भी काम आने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखिए सबसे पहले चलते हैं होम थिएटर पर, और होम थिएटर पे आपको ये जो दो पिनें आपको दिखाई दे रही है, ये दो पिन आपको होम थिएटर में लगानी है, और ये जो ये वाली जो पिन है इसको आपको अपने डेस्कटॉप के सीपीयू में लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर कैसे लगाना है। तो चलिए पहले होम थिएटर पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा होम थिएटर और इसका ये है एक बैक पैनल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आउटपुट आपको दिए गए हैं ये हैं स्पीकर की वायर, जो छोटे वाले स्पीकर होते हैं उनकी वायर्स है, और ये जो है यहाँ पर इसका बेस दिया गया है। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिए हैं, तो इनमें आपको दो पोर्ट्स यहाँ पर ऑडियो वीडियो के मिल जाते हैं, सॉरी वीडियो तो होता नहीं है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जो ऑक्स केबल थी उसका एक सिरे में आपको ऑडियो की दो पिन मिलती है, एक लेफ्ट की और एक राइट स्पीकर की। तो आपको सिंपली यहाँ पर लेफ्ट और राइट स्पीकर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए मैंने जैसे ही इसे कनेक्ट किया तो आपको आवाज़ सुनाई देने लगी होगी, बीप की आवाज़। ठीक है दोस्तों, तो यानी दोस्तों आपकी जो ऑक्स केबल है यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। देखिए दोस्तों इसको टच करता हूँ तो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी मैंने इसे प्लग इन कर रखा है, यानी अभी इसमें सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सीपीयू के पास, जो डेस्कटॉप का सीपीयू है वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों जो आती है वो यहीं पर आती है हमें कि कहाँ पर कनेक्ट करना होता है। देखिए दोस्तों ये है हमारे सीपीयू का बैक पैनल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कई सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको तीन तरह के यहाँ पर 3.5 mm के जैक दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 3.5 mm का जो सॉकेट है इसमें से आपको एक पॉइंट पर लगाना है। आप किस पॉइंट पर लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दे रहा है और यहाँ पर तीन पॉइंट्स हैं कुल मिला के। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीच का पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट्स पर आपका जो ऑडियो होता है वो आउट आता है, यानी सीपीयू से बाहर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ऑक्स केबल का जो एक सिरा अभी बचा हुआ था ये वाला दोस्तों, इस सिरे को यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। तो यानी दोस्तों आपका होम थिएटर जो है वो अभी डेस्कटॉप से कनेक्ट हो गया है। अब मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर कोई भी एक म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं एक वीडियो चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, देखिए दोस्तों ये जो वॉइस है वीडियो की यहाँ पर इस कंप्यूटर के थ्रू आ रही है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल